अच्छे महापुरुषों के सानिध्य में शुभ संकल्प जागृत होते हैं, सेवा के, स्वाध्याय के, सत्संग के, संयम के। आपके भीतर सदाचार जगेगा, आप सहज अपने भीतर स्वयं पर नियंत्रण करने के लिए एक अकुलाहट अनुभव करेंगे। संत के समीपता आपको सुधरने के संकेत देती है, और संत करते जो जागृत पुरुष हैं, साक्षात्कार संपन्न महापुरुष हैं, संत का अर्थ यह है कि जिनमें ईश्वर नित्य साकार रहता है। साधु का अर्थ भी यही है कि जिसमें कोई सांसारिकता नहीं रहती। भैया ध्यान रखना, कुछ लोगों के भीतर संसार और बाहर संसार रहता है। हम संसार में रहने वाले प्राणी हैं, हम बाहर संसार में रह रहे हैं, हमारे बाहर संसार है और हमारे भीतर में भी संसार है। लेकिन साधु उसे कहते हैं जो संसार में तो रहता है पर उसके भीतर में संसार नहीं रहता, उसके भीतर में पारिवारिकता नहीं रहती, कहीं बहुत आसक्ति जड़ता नहीं रहती, कहीं कोई प्रलोभन जागतिक आकर्षण नहीं रहते। ऐसे ही हम महापुरुषों के दर्शन कर महर्षि वेदव्यास ने भागवत आरंभ की। इसका फल यथार्थ का बोध है। भागवत का फल स्वयं भगवान है। महर्षि वेदव्यास ने नारायण का ध्यान किया और वह भगवान महादेव का भी ध्यान करने लगे कि वो क्या कहा होगा उन्होंने। और जैसे ही उन्होंने देवादिदेव महादेव का ध्यान किया तो सहसा उनमें ज्ञान पात होने लगा, ऊर्जा पात होने लगा, वो कथा उनमें अवतरित होने लगी। और ऐसा महर्षि पतंजलि कहते भी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। मैं आपसे किंचित एकाग्रता की अपेक्षा करता हूं, सहज होकर बैठिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जैसे ही हम वीतराग महापुरुषों का ध्यान करने लगते हैं, हम में समाधि, समाधान, आनंद, उल्लास, जीवन ऊर्जा और भगवत साक्षात्कार की योग्यता जागृत होने लगती है। जब कभी व्यथित हो, आप चिंतित हो, कोई अभाव अल्पता आपको अकुलाहट दे, तब कुछ और न करके संत सत्पुरुषों का अथवा भगवान का ही स्मरण करना, उनकी स्मृति में लौटना, आपको पवित्रता मिलेगी। ओम पुनंतु देवजनमाम पुनंतु मनसा ध्या पुनंतु विश्वाभूतानि जात वेद पुनि हमाम। हम जैसा सोचते हैं वैसे हो जाते हैं, हम जैसा ध्यान करते हैं वैसे हो जाते हैं, चित्त का रुझान वैसा ही बनने लगता है, वृत्तियां वैसा ही आकार लेने लगती हैं। महर्षि पतंजलि लिखते हैं वीतराग विषम वा चित्तम। कभी आप व्यथित हो और बहुत अशांत मन हो, आप दुखित बैठे हो, अथवा कोई बहुत बड़ा अभाव आपके आसपास हो, तो कुछ और मत करना, वीतराग महापुरुषों का ध्यान करना, वहां से ऊर्जा आनंद उल्लास मिलने लगेगा। जैसे आप सोचोगे उसी समय आप कनेक्ट हो जाएंगे, उसी समय आप संबंधित हो जाएंगे, आपकी चेतना वहां तुरंत एकीकृत हो जाएगी उस सत्ता के साथ। महर्षि वेदव्यास ने जैसे ही महादेव का स्मरण किया तो महादेव का ज्ञान, उनकी अखंड ऊर्जा, समाधान, उनकी समाधि महर्षि वेदव्यास के अंतःकरण में उतरने लगी। यद्यपि श्रीमद् भागवत का जो महात्म है वो पद्म पुराण से प्राप्त हुआ है, अनेकों पुराणों का इसमें समावेश है, छह शास्त्रों का इसमें रस है, सारे ग्रंथों का इसमें ज्ञान समाहित है, यह वेदस्वर है। इसलिए गुरु आज्ञा से उन्होंने आरंभ किया। मैं निवेदन कर दूं, गुरु की आज्ञा से करना, उनमें विश्वास रखकर करना, उनमें भरोसा रखना, उनमें श्रद्धा रखना। गुरु माने ग्रंथ में, महापुरुषों में, माता पिता में, परंपरा में। अपने गुरु की आज्ञा मानकर उन्होंने आरंभ किया, गुरु में पूरी श्रद्धा हो गई उनकी।
संस्कार द चैनल ऑफ इंडिया, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।